काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि 400 एपिसोड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे भी कोशिश करें कि और एपिसोड्स हम 800 तक पहुंच जाए, हज़ारों तक पहुंच जाए, सो नामकरण वहां तक जाए। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा 800 और हज़ारों तक पहुँच जाए, और हम लोग ऐसे ही करते रहे तो ठीक है, अच्छा है, पहुँचेंगे बिकॉज पूरी मेहनत के साथ आगे लेके चल रहे हैं। बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है कब तक चलाना है। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत बहुत कुछ याद आता है इस वक्त। वो बताना जो मैंने तुझे बोला था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ही हंसी खुशी हमने यू नो ये वक्त निकाला है। और देखो मैं कितना मैच्योर हो गया हूँ। हाँ नील बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से अब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, गुस्सा भी कम आता है नील को। जी हाँ, अवनी और नील एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, बट फिर भी अभी तक मिले नहीं हैं, तो हो सकता है कि ये कोई सपना देख रहे हो दोनों में से कोई एक या कुछ भी, क्योंकि नील को तो ये लगता है कि अवनी मर चुकी है। अवनी को ये पता है कि नील जिंदा है, बट उनके बीच में अब उनकी लाइफ में नहीं आएगी अवनी, सो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे इस रोड पे ऐसा सीन है जिसमें एक दूसरे के साथ में सेम रोड पे चल रहे पर एक दूसरे को देखा नहीं अब तक। फैंस को यही कहेंगे कि यार वॉर्म हग टू यू गाइस फॉर बीइंग देयर विद अस। इतने सारे दिन, इतने सारे एपिसोड जो आप लोग देखते थे, इतने सारे एडिट्स जो आप बनाते थे, फ़ोटोज़ डालते थे हमारी, हम दोनों की एज अ नील फैंस यू नो, उसके लिए बहुत मेहनत इन्वॉल्व होती है, और सही में आप लोग की मेहनत रंग लाई, हमें सब कुछ देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम लोग आपको प्यार देते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू।